जन्माष्टमी स्पेशल राधा रानी लुक कैसा लग रहा है? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काजल हूँ, बहुत बहुत फैमिली में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं राधा रानी लुक करने वाली हूँ, इसलिए मैंने ऐसे इस टाइप की मेहंदी लगाई है और मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर। मैं पॉन्स का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है आज मैंने, और आज मैं हमेशा वही करती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपने फेस को कर लिया है और फिर मैंने लगा लिया है प्राइमर। प्राइमर जो ये वाला मेरा प्राइमर है बहुत ही अच्छा है, जो मेरे फेस को मतलब डल नहीं दिखने देता है। और अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और फिर मैंने कंसीलर का भी यूज़ किया है। तो कंसीलर का यूज़ जहाँ हमारे फेस में डार्क सर्कल होते हैं वहाँ करते हैं हम लोग, तो मेरे को ज़्यादा दिखते हैं डार्क सर्कल, वहीं मैं यूज़ करती हूँ कंसीलर। बाकी मेरा फाउंडेशन का शेड ही इतना अच्छा है कि वो सब मैं सब चीज़ अच्छे से हो जाता है। तो आईब्रो को मैंने थोड़ा राधा रानी लुक के लिए थोड़ा डार्क किया है, क्योंकि वो डार्क ही थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने नॉर्मल मेकअप की तरह इस मेकअप को नहीं किया है, और मुझे आज मेकअप करने में ये लुक करने में पूरा दिन लग गया, क्योंकि आज मैं पूरा दिन सोच रही थी कि मैं मतलब कैसे लुक करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आज थोड़ा बहुत टाइम लग गया, थोड़ा नॉर्मल मेकअप वीडियो से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने सोचने में थोड़ा टाइम लगा। तो मैंने ऑरेंज कलर का एक शेड लिया है, जिसको मैंने ऊपर किया मतलब अप्लाई किया है ऊपर ऑरेंज कलर का, इसलिए क्योंकि अधिकतर मतलब वो बहुत नॉर्मल लगता है। और फिर मैंने आउट कॉर्नर और इनर कॉर्नर से पिंक कलर का शेड यूज़ किया है, क्योंकि पिंक कलर बट दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो ऑरेंज कलर में छुप गया था। तो मैंने फिर भी किया पर अच्छा लग रहा था। और मैंने कंसीलर को ऐसे यूज़ किया है। तो राधा रानी लुक के लिए मैंने दो दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, तो आज उसकी मेहनत मैंने की है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैंने जो ब्लू कलर का यूज़ किया है, टच दिया है, वो बहुत ही खूबसूरती से आया है, क्योंकि ब्लू कलर जो है अधिकतर कान्हा जी की मेकअप होता है तब यूज़ होता है, और जब राधा रानी का होता है तब यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और वही मैंने थोड़ा सा नीचे भी लिया है। तो आप लोग जो राधा रानी का लुक करें तो बिल्कुल ऐसे ही लुक आप करना, बहुत अच्छे से हो गया ना। और मैंने आईलेसेस लगा लिए हैं। आईलेसेस बहुत टाइम लगता है अच्छे से लगाने में, और मैंने अच्छे से उसको लगा लिया, और उसके बाद मैंने आईलाइनर भी लगा लिया। तो फ्रेंड्स देखिए इससे साइड दोनों साइड मैंने कर लिया, क्योंकि मैं मुझे टाइम नहीं था मेकअप, तो मैंने सूट नहीं किया दूसरी आई में। तो मैं अब लगा रही हूँ ब्लश। ब्लश मैंने ब्लश को भी थोड़ा डार्क लिया है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कि मैं राधा रानी जी का लुक थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल मेकअप होता है जो मैं कर रही थी। तब मुझे बहुत अलग लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, उनके जैसा लुक आएगा भी कि नहीं आएगा, बट बहुत मेहनत की आज मैंने, पूरा दिन मैंने बहुत मेहनत की, तो सच्ची में मैंने बहुत मेहनत की। और मैंने ये वीडियो शूट किया था ये वाला, बट मैं मतलब वो डिलीट हो गया गलती से, तो मैंने वो नहीं आ पाया। इतने में हमारे घर में पानी पूरी आ गई, जो मैं बहुत पसंद है, बहुत यमी थी, जो खाने में मज़ा आ गया, उसके बाद मेकअप करने का मज़ा ही आ गया। और मैंने माथा मतलब कि ये अलग से लगाया और बिंदिया अलग से लगाई है, जिसमें लुक आ रहा था। और मैंने नेचुरल मतलब अभी जो फूलों वाला ज्वेलरी होती है मैंने वो नहीं यूज़ की है, क्योंकि वो लेने जाने का मेरा पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और मैंने सोचा क्यों ना माता जी जो थी रहती हैं राधी राधा जी, जो इन्हीं ऐसे ही ज्वेलरीज पहनती थी, और मेरी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही थी, पीछे सोफा के छुपी हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फाइनली राधा जी का लुक कैसा लग रहा है आपको? यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। और मैंने बहुत मेहनत से आज
राधा जी का लुक किया है, तो सभी के लिए हैप्पी जन्माष्टमी।